नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा धारावाहिक श्री कृष्णा में। सब शुभ शुभ हमारे भाग्य में, इसीलिए कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हम आदि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के पुत्र है, और तो और शक्ति में हम भोलेनाथ के बराबर हैं। फिर ये छोटे मोटे अशुभ शक्तियाँ हमारा क्या बिगाड़ सकती है कुमार? देवी, ये मत भूलिए कि अनिरुद्ध का ये प्रेम केवल प्रेम का खेल नहीं है, ये तो विधि के नाटक का एक ऐसा दृश्य है जिसके द्वारा बाणासुर अपने अंत को पहुंचने वाला है। परंतु इससे पहले इस अलौकिक प्रेम कहानी का रस तो लीजिए देवी। तो देखते रहिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में आज आप देखेंगे कि ऋषि अंगवाहन राजा केसरी से कहते हैं कि हनुमान को शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा भगवान शिव ही दे सकते हैं। इधर हनुमान शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम जाने से साफ मना कर देते हैं। मैं विवश हूँ और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि मैं हनुमान को शिक्षा की प्रेरणा कैसे दूं? आपकी विवशता को मैं समझ रहा हूं राजन, और मैं ये भी भलीभांति जानता हूं कि हनुमान को शिक्षा की प्रेरणा महादेव शिव ही दे सकते हैं। तो अब कौन राजी करेगा हनुमान को आश्रम जाने के लिए? जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक शक्तिमान में आज आपको देखने को मिलेगा कि किलविश का गुलाम कहता है कि अगर पाप शक्ति के प्रभाव से शक्तिमान बच गया तो हमें उसे मारने के लिए गीता का इस्तेमाल करना होगा। इधर जयकाल शक्तिमान को मारने के लिए योजना पर काम करना शुरू कर देता है। अगर वाकई शक्तिमान पाप मणि के प्रभाव से किसी तरह बच कर निकलने में कामयाब हो गया तो जरूर उसके लिए सवाल बन जाऊंगा मैं। उस सूरत में गीता नाम का आखिरी पत्ता मैं फेंकूंगा शक्तिमान के सामने। द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल तैयार बैठा है, तुम्हारे इशारे की देर है बस। तो फिर शुरू करो, मैं भी तैयार हूँ क्लाइमेक्स के लिए। ओके ओके। क्या हुआ पार्टनर, क्या कहा साहब ने? मम्मी ये देखो शक्तिमान कितना छोटा हो गया, मम्मी कैसे हुआ? तो क्या है जयकाल का प्लान, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है कि इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि प्रवीण माया से कहता है कि उसके पास एक बहुत जरूरी खबर है जो वो उसे मिलकर ही बता पाएगा। बोलो क्या खबर है? मैंने आपसे कहा ना ये फोन पर बताना मुनासिब नहीं होगा, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, मैं मिलकर ही बताता हूँ। मैं प्रीतु को वापस लाना चाहती हूँ और रिहैबिलिटेशन ही एकमात्र इलाज है। अगर दिल्ली में हो तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ सेंटर्स अच्छे हैं और फिर प्रीतु भी वहीं का है, ये सही रहेगा। तो क्या है प्रवीण के पास ऐसी जरूरी खबर, जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।